नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। मैं आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को दिखाएंगे फुल ट्यूटोरियल है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द एरिया कवर कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर में। हमने ये जो हमारा जो रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको इस स्क्रीन में अभी दिखा देंगे, आपको वेरी सिंपल यूज करने वाला रिटेल बिलिंग पर्पस के लिए इतना यूजर फ्रेंडली वाला एक सॉफ्टवेयर आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज, रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर। इसका इससे ये जो सॉफ्टवेयर आपको आप लेने से क्या फायदा होती है आपको, ये आप देख लीजिए पहले। आपका बिजनेस में किस तरीके से हेल्पफुल हो जाएंगे, आपका बिजनेस किस तरीके से आसान कर देंगे, आपको सारे सिस्टम इसमें मेंटेन कर सकता है। चलो देख लीजिए आपने क्या क्या फैसिलिटी है इसमें। सबसे पहले आप जाइए, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज करना है ये भी बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये खाली नॉट ओनली ये जो क्या बोलते प्रमोशनल वीडियो, इसका ट्रेनिंग वीडियो है, सब ट्रेनिंग दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस तरीके से देखो कंपनी इसमें क्रिएट करना, जो भी ऑलरेडी अगर कंपनी इसमें है उसमें क्लिक कर दीजिए एरो से और नीचे भेज जाएंगे वो, उसमें आपको जो भी एडिट करना है एडिट कर सकता है। और एक पिक्चर डालना जरूरी है, देखो इस तरीके से एक पिक्चर डाल दीजिए आपने, और पिक्चर डाल करके आपने अपना कंपनी का नाम डाल दो। देखो यस, जो भी नाम डाल दो आपने, आप नाम डाल दो, अपना एड्रेस डाल दो, अपना ये मोबाइल नंबर डाल दो, तो आपका डिटेल्स सारे बिल में ये आ जाएंगे। उसके बाद अपडेट कर लीजिए, उधर एक अपडेट बटन भी है। इस तरीके से अपडेट करने से तुरंत आपका डिटेल्स उसमें सेव हो जाएंगे, यानी सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस में आपका डिटेल्स पूरा सेव हो जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है, अगर एक सॉफ्टवेयर आपका ट्रायल दे रहे हैं ले रहे हैं, ये स्टेप आपने पहले करना है। उसका और एक ऑप्शन क्या है, देखो इधर ऑफर मैनेजमेंट का ऑप्शन है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने किसी को क्या बोलते हैं डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, यानी प्रिविलेज कार्ड देती है, वो सब देती है, तो यहाँ लिख लेना आपने 0.01 लिखने से आपने 10%, यानी 3000 का आपने माल भेजा, आपको आपने 300 रुपये उसको ये देना है, क्या नाम है वो क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिविलेज यानी डिस्काउंट कूपन सेटिंग से हो। उसके नीचे आपको जो भी क्या बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपने लिख सकता है, वेरी सिंपल। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आपने माल भेज दिया, 2 दिन के बाद हम रिटर्न नहीं लेंगे, वो 15 दिन के बाद रिटर्न नहीं लेंगे, और 30 दिन के बाद रिटर्न। इस तरीके से आपने जो भी करना है इसमें क्या नाम है कंडीशन लिख सकता है। उसके बाद आपने प्रिंटर जोड़ना है, आपके पास कोई भी प्रिंटर होने दो, ये सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रिंटर आप जोड़ सकता है, कोई भी प्रिंटर फॉर एग्जाम्पल XP है, एक्सपन, एप्सन, सैमसंग, जो भी प्रिंटर आपने इस तरीके से इसमें जोड़ दीजिए। सबसे पहले अगर कोई प्रिंटर उसमें ऐड करके रखा हो डिलीट कर दो सबसे पहले सेलेक्ट करके, उसके बाद आपने अपना प्रिंटर ऐड कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने प्रिंटर ऐड करने के टाइम अगर थर्मल प्रिंटर है, समझ लो 3 इंच का प्रिंटर है, तो 2 इंच का 3 इंच का थर्मल प्रिंटर तो थर्मल ही डालना है। अगर 4 इंच का अगर बड़ा वाला प्रिंटर है आपने उसमें लेसर प्रिंटर डाल दीजिए, वो आप उसी के हिसाब से डालना है इसमें। और जो भी प्रिंटर आपने इसमें डालता है वो प्रिंटर को डिफॉल्ट करना, देखो इस तरीके से स्टार्ट बटन में जाकर के डिवाइसेस ऑन प्रिंटर्स आप ढूंढ लेना कंट्रोल पैनल के अंदर। डिवाइसेस ऑन प्रिंटर्स में जाकर के उधर एक आपको मिल जाएंगे, देखो इस तरीके से डिवाइसेस ऑन प्रिंटर्स है, वो खोल देना। वो खोलने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगता है कंप्यूटर में, कभी कभी हम थोड़ा सा वेट कर देंगे, रिलैक्स। Yes, देखो इस तरीके से आपको डिवाइसेस ऑन प्रिंटर्स में आ जाएंगे। आपने जो प्रिंटर आपको प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने PDF प्रिंटर डाल दिया क्योंकि आपको डिस्प्ले में दिखाने के लिए वो प्रिंटर डाला हुआ है, डायरेक्ट टू प्रिंट टू PDF इस तरीके से हमने डाला हुआ है। देखो सिंपल टू सिंपल तरीके, जो भी प्रिंट करेगा आपको उधर स्क्रीन में डिस्प्ले मिल जाएंगे, इसके लिए प्रिंट टू PDF किया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है, हमारे पास हजारों प्रोडक्ट होंगे लेकिन 1 प्रोडक्ट हमने मैन्युअली ऐड कर देंगे, ओनली 1 प्रोडक्ट, बाकी सारे हमने एक्सेल शीट से बल्क अपलोडिंग कर देंगे। 1 प्रोडक्ट मैन्युअली ऐड करने के लिए उधर देखो प्रोडक्ट का बटन क्लिक किया था, उसके बाद देखो कोई भी प्रोडक्ट आपने उसमें जो डालना है डाल दीजिए 1 बाय 1। एक प्रोडक्ट आपने डाल दिया, उसके बाद उसका परचेस प्राइस, सेल प्राइस, उसका देखो कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ अभी, देखो कैटेगरी है, सब कैटेगरी आपने क्रिएट कर दीजिए। उधर एक प्लस बटन दिखाई देंगे आपको साइड में, वो क्लिक करके आपने जो भी है कैटेगरी आपने ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे में आपने कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई फ्लेक्सिबल
सिस्टम डाला हुआ है इसमें। देखो इसमें एक्सेसन कोड में कोई भी एक नंबर डाल दीजिए मैंडेटरी हो, और परचेज का प्राइस, सेल का प्राइस और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। और आपने ये जो डाल दिए रीऑर्डर पॉइंट क्या है, आपको मिनिमम ऑर्डर में मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए एक ऑप्शन है रीऑर्डर पॉइंट, ये रीऑर्डर पॉइंट आपने डाल दीजिए। और ये जो यूनिट सेल का यूनिट किलोग्राम में होती है और क्या नाम है नंबर्स में होती है, पीसेस में, पेयर्स में, जो भी है, जो यूनिट आपको चाहिए उधर क्रिएट कर सकता है। वेरी सिंपल तरीका में आपने यूनिट इसमें क्रिएट कर सकता है और टैक्स इसमें डाल सकते हैं आपने। फॉर एग्जाम्पल आपको 12% टैक्स है, 6% CGST, 6% SGST डाल देना, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा स्टेट को सेल करेगा, ये टोटल जो 6 आपने डाल दिया ऑटोमेटिकली कंपेयर करके IGST में 12% चला जाएंगे, इनकेस आप यू आर सेलिंग आउट ऑफ स्टेट, सॉरी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, देखो इसमें टैक्स सेटिंग है, टैक्स इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है। फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपए का प्रोडक्ट है तो उस पर इंक्लूडिंग टैक्स है तो और टैक्स मिला के 1200 है, एक्सक्लूडिंग टैक्स बोलेंगे तो 1200 प्लस टैक्स, इस तरीके से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी। ये होने के बाद आपने सीधा जाइए POS, हमारा दो सेल पैनल है, इसमें दोनों में आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए POS पैनल में, देखो इसमें POS में आपने जो भी प्रोडक्ट इसमें ऐड किया, अभी एक प्रोडक्ट ऐड किया इस तरीके से, देखो ड्रॉप डाउन में सेटल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज कस्टमर ने दे दिया तो बैलेंस कितना देना है, सीधा आपको सेव एंड प्रिंट कर सकता है उसमें, इस तरीके से देखो वेरी सिंपल तरीके में आपने सेव कर दिया और प्रिंट कर दिया। अभी प्रिंट प्रीव्यू दिखा देंगे आपको किस तरीके से वो प्रिंट प्रीव्यू आता है। देखो डेस्कटॉप में ऑलरेडी सेव हो गया क्योंकि मैंने PDF में किया था, देखो एकदम ब्यूटीफुल प्रिंट आया हुआ। देखो इसका नीचे आपने जो कंडीशन लिखा था ना, सब कुछ नीचे आ जाएंगे। और देखो CGST, SGST, वो आपने कितना पैसा आप रिसीव किया था, मतलब 2000 रुपीज जो रिसीव किया था, और कितना बैलेंस आपने चेंज दिया उसको, एवरीथिंग इसमें प्रिंट हो जाएंगे। GST कितना है, अगर सस आ गया तो सस कितना है, और आइटम डिस्क्रिप्शन एकदम नाइस, आपको प्रोफेशनल तरीके में बिल बन जाएंगे इसमें। अगर थर्मल प्रिंटर इसमें कनेक्टेड है तो सीधा सीधा आपको प्रिंट आउट निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा प्रिंट आउट निकल जाएंगे। देखो इस तरीके से आपको, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें बल्क में अपलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 प्रोडक्ट्स है, ये देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाकर के एक्सेल शीट एक्सपोर्ट कर दो इस तरीके से, बाद में इसी एक्सेल शीट में सारे आइटम्स आपको फिल कर दो, जितना भी प्रोडक्ट्स है, 2000 प्रोडक्ट्स, 3000 प्रोडक्ट्स, व्हाट एवर इट इज, आप इसमें सीधा सीधा फिल कर दो ऊपर का। लेकिन देखो ऊपर का जो इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने का, आपने कॉलम ऐड मत करो, आपने कॉलम डिलीट मत करो, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है उसमें उसके नीचे पूरा कर दीजिए, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मतलब उसमें सेव्ड है वो डिलीट कर दीजिए, ठीक है। मतलब ऊपर का जो पैनल है प्रोडक्ट सब कैटेगरी वगैरह लिखा हुआ है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का प्लीज। वो चेंजेस किए फिर ये पूरा गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब उसका अंदर सॉफ्टवेयर का एक मतलब पैटर्न है, वो एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सब कैटेगरी में आपने नंबर ही डालना है, सब कैटेगरी टाइप करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये एक easiest way में हमने कर दिया क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक किया तो नहीं आएंगे उसमें, समझिए। और देखो HSN कोड में कोई नंबर डालना जरूरी है इस तरीके इसमें, और परचेज प्राइस सेल प्राइस डालना जरूरी है, ठीक है ना। विदाउट ये अगर परचेज रेट और सेल प्राइस नहीं डाले तो काम नहीं करेंगे, मतलब एरर दिखाएंगे। और डिस्काउंट में भी अगर कुछ डिस्काउंट नहीं, एटलीस्ट 0 डाल दो, 0000 करके सब में लिखो, और CGST SGST है तो डाल दो, नहीं है तो 0000 करके 0000 करके लिख दीजिए। और रीऑर्डर पॉइंट में भी एटलीस्ट कुछ नंबर्स डालना है आपने, और ओपनिंग स्टॉक में अगर कुछ डाल दिया तो मतलब आपको ये इम्पोर्ट हो जाएगा, मतलब बारकोड में सब दिखाएंगे। एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी आपने ओपनिंग स्टॉक में दिखा दीजिए, और बारकोड आपको दिखाई देंगे उधर, अगर प्रोडक्ट में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग बारकोड है वो उधर डाल दो स्कैन करके, अगर नहीं है आप कोई सीरियल नंबर वाइज 1001, 1002, 1003 करके डाल दीजिए। सिंपल तरीके में आपको इस तरीके से बारकोड बन जाएंगे, वेरी इजी है। बाद में सबसे लास्ट में आके जितना भी प्रोडक्ट एंटर कर दिया ना, सबसे नीचे आकर के एकदम
इस तरीके से सेलेक्ट करके जो एडिशनल कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह किया तो सब डिलीट कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो भी है मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्लीन मतलब जो लास्ट सबसे लास्ट वाला लाइन उधर तक पूरा कट होना चाहिए, मतलब उसके नीचे इधर उधर करके ए बी सी डी कुछ टाइपिंग करके रखेगा तो प्रॉब्लम है। इंपोर्ट में जाइए, आपने देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बटन ऊपर दिखाएंगे, उसके पहले हम स्टोक दिखाएंगे आपको। देखो स्टोक में आपको अभी जीरो स्टोक, एक ही प्रोडक्ट है, यस ओनली वन प्रोडक्ट है। अभी हमने प्रोडक्ट ऐड करने के बाद कितना प्रोडक्ट हो गया देखेंगे। बार कोड में भी एक ही प्रोडक्ट है, अभी जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था मैनुअली वो प्रोडक्ट अभी बार कोड में अभी आया हुआ है। ए फोर में भी बार कोड आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने अभी फिर जाएंगे अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सेल में जाएंगे। देखो प्रोडक्ट्स में गया आपने, प्रोडक्ट्स में जाके इम्पोर्ट सेलेक्ट कर दो। मैंने कुछ आइटम्स इधर भर के रखा हुआ ऑलरेडी, देखो हमने अभी जो दिखाया आपको, यस द सेम वन, इस तरीके से आपने क्लिक कर दीजिए उसमें। देखो सारे प्रोडक्ट आपको ईसीएस स्टूडियो में इधर आया हुआ है, यानी इसमें आपने सिर्फ क्या करना, सबसे नीचे जाना, सेव अभी मत करो, सबसे नीचे जाके इधर एक लास्ट पोर्शन आप देखा, इधर इधर ये फिल होना चाहिए एकदम, लास्ट में गैप आ गया, मतलब वो मतलब आपने एक्सेल शीट के नीचे कुछ अलग से फिर और टाइपिंग करके रखा हुआ है तो फिर और एक बार एक्सेल शीट चेक कर देंगे उस तरीके से आने से, तो अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है ना, एक बार सेव कर दीजिए। देखो सेव हो गया सक्सेसफुली, वेरी सिंपल। अगर आप प्रॉपर तरीके में किया तो ना एक सेकंड में आपको पूरा प्रोडक्ट ऐड कर सकते, सिंपल है जी, कोई मतलब रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल तरीके से नॉर्मल, यस थोड़ा सा उसको मतलब फिलिंग प्रॉपर करना बस। देखो स्टॉक में आ गया सारे प्रोडक्ट्स, इतना ईजीएस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्ट डालने में दिक्कत हो गया, आप सीधा एक्सेल शीट फिल कर दो, हमको कॉल कर दो, हम ऑनलाइन में आकर के आपको तुरंत हेल्प कर देंगे, दो मिनट में आपको अपलोड करके दे देंगे आपका प्रोडक्ट। एक बार आपने प्रोडक्ट अपलोड किया फिर नेक्स्ट टाइम आप खुद ही कर सकता है, सिंपल। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कॉल कर दीजिए 8078311945 और 04829239960, ये दोनों नंबर में कॉल कर दीजिए। देखो इस तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट है आपको इसमें इंपोर्ट कर सकता है वेरी सिंपल समय में, और उसका कोई भी बार कोड जो इंपोर्ट किया जो प्रोडक्ट का सारे में बार कोड में आ जाएंगे। देखो कौन कौन सा प्रोडक्ट का बार कोड प्रिंट करना है, यानी कि A4 साइज का या POA साइज का जो भी है, आप तुरंत उसको सेलेक्ट कर दीजिए। और ड्यूअल प्रिंटर, ये कि प्रिंटर से ड्यूअल बार कोड आते हैं दो साथ साथ, वो भी आपने इसमें से कर सकता है। जो बार कोड प्रिंट करना अपना प्रोडक्ट में चिपका दीजिए और बाद में अपना शेल्फ में लगा दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट, जो भी रिटेल का प्रोडक्ट आपने अपने शेल्फ में नाइस सेटिंग कर दीजिए, जो कस्टमर प्रोडक्ट उठा के आपके पास आएंगे जब सेल करने के टाइम, आप इस तरीके से प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हैं। देखो प्रोडक्ट भी ढूंढ के आपने बिल कर सकता है, नहीं तो सीधा अपने बारकोड का गन होते हैं उसमें से सीधा स्कैन कर दीजिए तो तुरंत तुरंत वो प्रोडक्ट सारे उधर आ जाएगा। देखो वन बाई वन जो भी प्रोडक्ट है आपने फटाफट सेलेक्ट कर दो। ये हमारा क्विक सेल का पैनल है, यानी काउंटर सेल का सेल्स पैनल, आप विंडो आप दिख रहे हैं उसको, इसमें दिख रहा है आपको काउंटर सेल, यानी कोई भी कस्टमर का नाम नहीं मालूम हमको कस्टमर का यानी एड्रेस नहीं मालूम है, जैसे कैश सेल इसको बोलते हैं काउंटर सेल। देखो 2000 रुपीज हमने रिसीव किया है, सेव एंड प्रिंट क्लिक कर देंगे, बस सीधा सीधा प्रिंट हो जाएंगे। देखो अभी प्रिंट प्रीव्यू दिखा देंगे आपको, डेस्कटॉप में ऑलरेडी प्रिंट प्रीव्यू आया हुआ है, देखो डेस्कटॉप में गया, देखो प्रिंट प्रीव्यू आया हुआ है इस तरीके से, वेरी ब्यूटीफुल। और प्रिंटर जो आएगा ना फटाक से बाहर आ जाएंगे, जो थर्मल प्रिंटर है ना इमीडिएटली करके वो बाहर आ जाएंगे, सुपर ईजीएस्ट वे है आपको। देखो आपने कितना रुपीज बैलेंस देना है, कितना पैसा आपने लिया था कस्टमर से, ये सारे डिटेल्स ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ईजीएस्ट वे में आप कर सकते हो। देखो आइटम रेट डिस्काउंट अमाउंट जो भी है सब कुछ डिस्काउंट, कस्टमर देखने से क्या होता है कस्टमर को एक फील होता है हाँ ये यस हमको डिस्काउंट मिल गया, यस वेरी गुड, इस तरीके से एक फील होता है कस्टमर को। ये अगर POS प्रिंटर कनेक्टेड है तो तुरंत आपको प्रिंट आ जाएंगे, तो प्रिंटर है मेरे पास लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कैमरा सेट करने के लिए, इसलिए हम सीधा स्क्रीन में दिखा दिया आपको, सॉरी हाँ। और दूसरा क्या है देखो, जितना फॉर एग्जाम्पल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इस पैनल में आपने जाने से
टोटल आपका दुकान के अंदर कितना लाख का माल है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख या 3 लाख का, 1 करोड़ का, 3 करोड़ का, जितना भी मतलब लाखों का माल है सब ऊपर आपको दिखाई देंगे। ग्रैंड परचेस, इतना रुपए का माल आपने परचेस किया था ये दिन से ये दिन तक, और सेल करने से इतना दिन से इतना दिन सेल करने से आपको क्या मिलेंगे, वेरी सिंपल तरीका में आपको दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल सिस्टम है आपको। लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल 3-4 साल आपने दुकान चलाया, आप अंतरसा से सोचेंगे हाँ मेरे दुकान में अभी कितना लाख का माल होंगे, तो ये सॉफ्टवेयर आपको तुरंत बता देंगे कितना लाख का माल आपका दुकान के अंदर है, सिंपल, और सेल करने से क्या मिलेंगे, इस तरीके से वेरी क्लियर। और जो रिपोर्ट आपको चाहिए तो एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने किसी को एस्टिमेट बिल देना है, आपको GST बिल नहीं है, वो बिल नहीं है, बिल नहीं, एस्टिमेट बिल देना है, जैसा सिंपल सा प्राइस वगैरह आइटम्स, ये सिंपल, कोई डिटेल्स नहीं का, दुकान का डिटेल्स कुछ नहीं है, एस्टिमेट बिल बनाना, तो इसी सॉफ्टवेयर में बहुत इसी एस्टिमेट में इस तरीके से हो जाएंगे। सबसे नीचे की एस्टिमेट बोल के लाइन है, उसमें सेलेक्ट कर दो, 3 इंच सेलेक्ट कर दो, इस तरीके से बिल आपको मिल जाएंगे। देखा ना एस्टिमेट बिल, इसमें नथिंग, ओनली एस्टिमेट, देखो ये प्रोडक्ट है, इतना प्राइस है और कुछ डिटेल्स नहीं है इसमें, देखो 177 रुपीज का एस्टिमेट बिल है। अगर कोई आपने अगर आपने सेल करना है इस तरीके से, यस इट इज पॉसिबल, ये खाली एस्टिमेट देने के लिए इस तरीके से आपने कर सकते हैं, सिंपल से वे में आपने किसी अगर आदमी ये जो 3 आइटम का एस्टिमेट क्या है ये आपने एस्टिमेट बिल दे सकता है। और रिकॉर्ड्स में गया तो आपको देखो GST रिकॉर्ड्स में गया तो कौन कौन सा आइटम आपने सेल किया है, इसको आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आपका क्या नाम है जो कंसल्टेंट होती है यस उसको दे सकता है, उन्होंने ये चेक कर दिया। हाँ इसमें सारे डिटेल्स है, देखो इसमें कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, GST कितना है, CGST कितना है, चसन कोड क्या है, एवरीथिंग उसका चाहिए तो आपको टोटल भी तुरंत एक्सेल में कर सकता है, सिंपल। टोटल टैक्स कितना आया वो आपको भी इमीडिएटली पता चलेंगे क्या आया हुआ है, खाली सेल्स का नहीं है, परचेज का भी टैक्स इनपुट, आपको जो इनपुट आता है आपने किधर से माल लेके आता है आपको इनपुट मिलता है, तो आपने परचेज का भी टैक्स उसमें मिल जाएंगे आपको एक्सेल शीट में, क्या क्या अभी तो कुछ ना परचेज नहीं किया था, इसलिए कोई भी अगर परचेज किया तुरंत आपको वो भी डिटेल्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक परचेज एंट्री कर रहा हूँ, देखो कोई भी एक कस्टमर का सप्लायर का आपने ऐड कर दीजिए, सप्लायर यानी आपको जो माल देने वाला आदमी का डिटेल्स उधर ऐड कर दिया, ABC एंटरप्राइजेस करके हमने ऐड कर दिया, और उसका जो एड्रेस डाल दिया, जो भी डाल दो एड्रेस, केरला डाल दो, हम केरला का इसलिए केरला ही डाल दो, केरला डाल दिया, स्टेट डाल दो, कोई भी एक स्टेट डाल दो, हमने स्टेट केरला स्टेट डाल दीजिए, और उस तरीके से आपने उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपने उसमें भर दीजिए, बस इतना डिटेल्स आपने भर दीजिए, अगर इनकेस GST नंबर वगैरह है तो वो भी डाल दीजिए, तो आप कंसल्टेंट को इजी हो जाएंगे। वो जैसे आपने सही करता है सॉरी परचेस करता है इस तरीके से उसको सप्लायर को सेलेक्ट कर दीजिए, कौन कौन सा आइटम्स परचेस आती है अपना परचेस करता है उसको बारकोड से भी स्कैन करके उधर तुरंत आ जाती है, और आइटम आपने ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकता है, और बाद में सिंपल तरीके से आपने इसको सेव कर दीजिए, इमीडिएटली आपको सेव हो जाएंगे। ऊपर जाके अपने इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हैं, देखो इनवॉइस नंबर आपने सीधी सी डाल सकता है, वो सेव कर दीजिए। परचेज इज वेरी सिंपल, सेल्स इज वेरी सिंपल, इसमें मैनेज करना, टोटल मैनेज करना वेरी वेरी सिंपल, इतना सिंपल तरीका से ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है, यानी कि कोई भी नॉर्मल आदमी इसको यूज कर रहे, इतना पढ़ा लिखा कंप्यूटर में एक्सपर्ट नो नीड। देखो इसमें स्टॉक रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, जो भी परचेस किया आपने ऑटोमेटिकली स्टॉक रिपोर्ट में जाकर के उसको जोड़ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 300 था पहले, 200 परचेस किया, 500 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको, इस तरीके से वेरी ईजीएस्ट वे में आपको इसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो दूसरा भी परचेस एंटर कर रहा हूँ, देखो परचेस रिटर्न कर रहा हूँ, देखो कोई भी आइटम हमने माल खरीदा अच्छा नहीं आया तो रिटर्न कर दे, इस तरीके से आपने रिटर्न भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक से माइनस हो जाएंगे, जो आइटम हमने परचेस किया था हमने रिटर्न कर दे रहे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक से वो माइनस हो जाएंगे, और परचेस ऑर्डर बना सकता है कोई सप्लायर को, हम माल जो लेके आती है कौन कौन सा आइटम हमको चाहिए लिस्ट में लिखे लिखे भेजने की कोई जरूरत नहीं,
हम सीधा सीधा परचेस ऑर्डर इसी सॉफ्टवेयर के अंदर से ले सकते हैं इमिडिएटली विद इन नो टाइम आपको परचेस ऑर्डर बना सकता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर से वेरी इजीएस्ट वे में। और इसमें इतना सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको, इतना सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको, आप ये देख रहे ना, ये सारे रिपोर्ट्स, परचेस रिपोर्ट होने दो, सेल्स रिपोर्ट होने दो, लो स्टॉक, बेस्ट सेल आइटम्स और डेली रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट और सेल्समैन रिपोर्ट, सेल्समैन वाइज सेल्स रिपोर्ट, इस तरीके के सारे रिपोर्ट्स आपको इस सॉफ्टवेयर में इतना इजीएस्ट वे में वन क्लिक में आपको फेदर टिप में मिल जाएंगे। इतना फीचर्स डाला हुआ है सॉफ्टवेयर में, आप बारकोड का फीचर होने दो, बारकोड भी इतना सिंपल है, बारकोड हमने अभी और डेवलप कर दिया, जैसा A4 का बारकोड A4 शीट में कर सकता है, 40 स्टिकर वाला शीट में कर सकता है और 48 स्टिकर वाला शीट में कर सकता है, और बैंकिंग का डिटेल्स हमने डाला हुआ है। बैंकिंग फॉर एग्जाम्पल आपने बैंकिंग का जो पैसा लेके आता है डालता है उसका अकाउंट मेंटेन करना है तो बैंकिंग का भी फैसिलिटी है उसमें, और वाउचर्स का भी फैसिलिटी है उसमें, जैसा एक्सपेंसेस होती है आपका डेली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंसेस होती है वो सब उसमें डाल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है क्रिएट अ सर्विस। क्रिएट अ सर्विस इज वेरी सिंपल, फॉर एग्जाम्पल आपने जो मोबाइल फोन वगैरह आइटम्स सेल करता है कभी कभी उसको सर्विस के लिए आएंगे तो उसमें एक बार कोड चिपका सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर का हेल्प से। तो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सेल करता है एक दो महीने के बाद उसका रिपेयरिंग के लिए आया, हम कैसे ट्रैक कर देंगे कस्टमर को, मोबाइल चेंज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेम मोबाइल सैमसंग का एस क्लास और जो भी लेके आया तो इधर उधर मिक्स हो सकता है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा कस्टमर के नाम डाल के उसमें एक बार कोड चिपका दो। बार कोड किस तरीके से मिलेगा आप देख लीजिए, देखो ये देखो कस्टमर का ऑलरेडी नाम इधर ऐड कर सकते हैं और नया कस्टमर इधर ऐड भी कर सकते हैं आपको, और बाद में वो जो आइटम क्या है, सर्विस टाइप क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन चेंज करना है उसके क्या चार्जेस है, क्वांटिटी, और इनके इसको एडवांस दिया तो उधर डाल सकता है, वो एडवांस डाल करके देखो सीधा उसके कंप्लेंट क्या है, वो बड़ा बॉक्स जो दिख रहा है उसमें आपने टाइप भी कर सकते हैं, हाँ स्क्रीन चेंज, डिस्प्ले चेंज, जो भी है आप उसमें टाइप कर दीजिए, टाइप करके सेव कर दीजिए, और इधर देखो बार कोड दिखाई देती है आपको। इस तरीके से जो बार कोड आती है ये बार कोड आपने प्रिंट करके प्रोडक्ट में चिपका दो तो आपको ये ट्रैक करना इतना इजी हो जाएंगे। देखो अगर सर्विस हो गया तो इस तरीके से जाकर के आपने बिल भी बना सकते हैं, एडवांस जो भी दिया उधर दिखाई देंगे आपको, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना वो भी दिखाई देंगे उधर आपको, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, और GST कितना है अगर चाहिए तो वो भी उधर ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और सेवा पर निर्णय के तुरंत आपको सर्विस का बिल क्रिएट कर सकता है रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर से। वेरी सिंपल, देखो इतना इजीएस्ट वे में आप कैसे कर सकते हैं सर्विस, सिंपल, आपका कोई भी दुकान है मोबाइल का और क्या बोलते हैं स्टिचिंग यानी कपड़े का दुकान होती है और गोल्ड टेस्टिंग वगैरह करता है, स्वर्ण का जो टेस्टिंग वगैरह करता है, कोई भी सर्विस होने दो, जो सर्विस हमें करता है उस कस्टमर माल लेके देते हैं उसको ट्रैक करने के लिए ये सॉफ्टवेयर का हेल्प से आपने विद इजीएस्ट वे में कर सकता है। देखो इसका रिपोर्ट भी आपको मिल जाएंगे, कितना सर्विस हो गया सुबह से शाम तक, कितना पैसा मिल गया हमको, क्या है उसका, कितना कितना सर्विस आपको पेंडिंग पड़ा है, सारा रिकॉर्ड आपको रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर में वेरी इजीएस्ट वे में आपने ढूंढ सकता है। इसमें और बहुत सारे फीचर्स है, जैसा बाई वन गेट वन ऑफर का क्रिएट कर सकता है इसमें, और जैसा SMS का फीचर है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने जो कोई भी चीज सेल करता है तुरंत SMS कस्टमर को जाएंगे, इस तरीके से फैसिलिटी है इसमें और इसी सॉफ्टवेयर में, यस इसी सॉफ्टवेयर, और प्रिविलेज कार्ड का ऑप्शन है, जैसा ऑफर मैनेजमेंट आपको पॉइंट्स क्रिएट करता है ना, जो कपड़े का दुकान होते हैं उधर पॉइंट्स, प्रिविलेज पॉइंट, यस प्रिविलेज पॉइंट क्रिएट करता है, ये सब इस सॉफ्टवेयर में हमने इंक्लूड किया हुआ है। इट इज अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर एंड वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेरी सिक्योर सॉफ्टवेयर, इतना सिक्योरिटी में, इतना यूजर फ्रेंडली में, इतना इजीएस्ट वे में आपको काम करने के लिए रेंडक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्प कर देंगे। आपका दुकान का जो भी काम है रिटेल दुकान का, आप किधर ढूंढने का जरूरत नहीं है,
सीधा हमें कॉल कर दीजिए, हमारा नंबर इधर ही है 8078311945 और नीचे दूसरा और एक लैंडफोन नंबर देता हूँ कस्टमर केयर का 0482923996 ये दोनों नंबर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट वाला नंबर हमारा नंबर है, हम इवन लेट नाइट आल्सो आई कैन पिक योर कॉल, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इस तरीके से वेरी इजीएस्ट वे में आपने आपको हमें सर्विस दे सकता है और हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर सपोर्ट आप बैठा हुआ है। अब 9:30 से लेकर के 5 o'clock तक कस्टमर केयर सर्विस भी अवेलेबल है, जो भी आपको डाउट आ गया, प्रोडक्ट डालना, सेल करना है, रिटर्न करना, जो भी डाउट आपको आ गया, हमको सीधा सीधा कॉल कर दीजिए, हम आपको मदद कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी दुकान नया खुलता है, हम आपका साथ हूँ आपको हेल्प करने के लिए। रेन डक POS बिलिंग सॉफ्टवेयर आप याद रख दीजिए, हमारा नंबर अभी नोट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपको ईजीएस्ट वे में आपका मोबाइल में आ जाएंगे। हम हमेशा वीडियो अपडेट करते हैं, तो आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह करना है, लेना है, सब कुछ इसी में मिल जाएंगे। और हमारा नया एक प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है मे बी इन द नेक्स्ट मंथ, मल्टी यूजर, मल्टी कंपनी, मल्टी ब्रांच, मल्टी लोकेशन वगैरह करके और सुपर एडमिन पैनल भी लगा करके एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है हमारा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी जो बता रहे हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारा लॉन्च हो रहा है, इट्स ब्यूटिफुल, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो भी हमने नेक्स्ट मंथ तक मार्केट में रिलीज कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।